दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे अगर आपके पास मूवी क्यूक एप्लीकेशन है और इसके अंदर आपका जेपे बैलेंस एक्टिवेट है, जेपे पे लेटर ऐप का एक्टिवेट है और आपके जेप बैलेंस में कुछ पैसे हैं और उन पैसे को आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि मोबीक्विक पे लेटर का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मोबीक्विक जेप बैलेंस टू बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कैसे आप कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आखिरकार मोबीक्विक जेप का बैलेंस अपने बैंक में कैसे ले सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक आसान और सही तरीका बताएंगे जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहां से आपका पैसा बैंक में ही ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे हम मोबीक्विक ओपन करते हैं, मोबीक्विक ओपन करने के बाद हम यहां पर अपना मोबीक्विक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से हमारा मोबीक्विक एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। उसके बाद हम अपने बैलेंस पर क्लिक करते हैं और यहां पर मिल जाता है पे लेटर, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पे लेटर में यानी कि जिप बैलेंस जो है वो हमें 500 रुपये मिला है। तो हम इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, ये हमारा जिप बैलेंस है जो हमें 500 रुपये मिला हुआ है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे अपने बैंक में आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि अपने जिप बैलेंस को अगर आप बैंक में लेना चाहते हैं तो कैसे आप ले पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर मिल जाता है सी ऑल सर्विस, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखने को मिल जाता है वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर, यानी कि वैलेट टू वैलेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर आपको मिल जाता है वैलेट टू बैंक ट्रांसफर, अपने वैलेट का पैसा बैंक में ले सकते हैं। बस आपको एक बात को ध्यान रखना है कि वैलेट का पैसा यानी कि जो आपने पैसा यहां पर ऐड किया होगा वही पैसा आप बैंक में ले सकते हैं और जो आपको जिप बैलेंस मिला है उसे आप नहीं ले सकते हैं। जो आपको पे लेटर एक्टिवेट करने का लिमिट मिला है उसे अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिक अप्लाई करना होगा। तो वो ट्रिक कौन सी है? तो वो ट्रिक एक ऐसी आसान है कि आपको एक गोल्ड बाय करना होगा और उस गोल्ड को बाय करने पर अपने जिप बैलेंस ही आप बाय कर सकते हैं और उसे आप जब सेल कर देंगे, यानी कि जैसे 100 रुपये का आप गोल्ड खरीदेंगे और उसे आप बेच देंगे तो सिर्फ आपको 3% GST यानी कि 100 रुपये में 3 रुपये आपको देना होगा और 97 रुपये आपके बैंक में आ जाएंगे। तो आपको कहां से गोल्ड लेना है और कहां पर आप उसे सेल और बाय करेंगे, तो उस गोल्ड को खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये वो लिंक है। और इस लिंक पर क्लिक करके आपको गोल्ड खरीद लेना है और जेन्युइन और आसान तरीका है और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर में ये लिंक आपके सामने उस तरीके से ओपन हो जाएगी जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको गोल्ड का प्राइस और यहाँ पर सिल्वर का प्राइस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि बाय पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको ग्राम डाल देना है या आपको अमाउंट डाल देना है। अगर आप SIP करना चाहते हैं, मंथली आप बाय करना चाहते हैं, तो मंथली भी आप यहाँ से SIP कर सकते हैं। मंथली आप अपने मोबीक्विक के पे लेटर से आप यहां पर गोल्ड बाय कर सकते हैं और उसे सेल करके पैसा ले सकते हैं। तो आपको यहां पर अमाउंट डाल देना है, जैसे हम 100 रुपए का लेना चाहते हैं तो हम यहां पर 100 रुपए डाल देते हैं। 100 रुपए डालने के बाद आपको कितना ग्राम सोना मिलेगा वो यहां पर आ जाएगा। आपको क्यूक बाय पर क्लिक कर लेना है। जब आप क्यूक बाय पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो डाल देना है और उसके बाद आपका यहां पर अपना नेम और अपना ईमेल आईडी आपको डाल देना है। तो हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर और अपना OTP फिलअप कर लेते हैं। मैंने यहां पर अपना OTP डाल दिया है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहां पर अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हम यहां पर गोल्ड खरीद सकते हैं। अब यहां पर आपको क्यूक बाय पर क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर क्यूक बाय पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको और भी नीचे आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखने को मिलेगा वैलेट, आपको वैलेट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे मिल जाता है आपको पे नाउ, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सी आपको यहाँ पर
इंतजार करना है। आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मूवी क्यूक, और यहाँ पर आपको मूवी क्यूक पर क्लिक करना है और नीचे आपको पे पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर पे पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि आपको यहाँ पर सिर्फ आपको ₹2 चार्ज देना होगा और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आपके मूवी क्यूक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर आपको फिर से एक OTP आएगा, जैसे हमारे पास आ चुका है, और वो OTP आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलो हम यहाँ पर अपना OTP फिलअप करते हैं जो हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास ₹102 का OTP आया हुआ है, आया है 79 यानी कि 89, 71 और 80। तो हम यहाँ पर डालेंगे 89, 71 और 80 और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको यहां पर वेट कर लेना है। जब आप यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपका OTP यहां पर वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपका जो गोल्ड होगा वो यहां पर परचेस हो जाएगा, यानी कि बाय हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद गो टू माई ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप गो टू माई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ऑर्डर देखने को मिल जाएगा कि आपने यहां पर ऑर्डर बुक किया है। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है इस तरीके से, तो आप इसके होम पेज पर यहां पर आ जाएंगे। अब आपको दिखाते हैं मूवी क्यूक हमारे वैलेट में कितना पैसा बचा हुआ है। तो हम यहां पर आके इसे रेफ्रेश कर लेते हैं, या हम इसे रिसेंट बार से हटा के फिर से हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे मूवी क्यूक जिक बैलेंस का यहां पर पैसा कटा या नहीं। तो हम इसे आपको ओपन करके दिखाने वाले हैं। तो हम यहां पर अपना मूवी क्यूक एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं। अब हम अपने जिप बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास ₹103 हमारे कट चुके हैं, यानी कि ₹3 GST के और ₹100 हमारे गोल्ड के। तो यहां पर आप देख सकते हैं जिप बैलेंस से यहां पर कटे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहां पर वैलेट में कोई भी पैसा नहीं था। अब आपको यहां पर करना क्या है कि उसी गोल्ड को आपको सेल करना है। तो गोल्ड को सेल करने के लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना होता है, तभी आप गोल्ड को सेल कर पाएंगे। वैसे आपको पता होगा कि आप कहीं पर भी गोल्ड खरीदते हैं तो उसे आपको सेल करने के लिए 24 घंटे का इंतजार करना होता है। तो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने 24 घंटे पहले यानी कि कल मैंने यहां पर गोल्ड खरीदा था सिर्फ ₹10 का, वो आपको सेल करके दिखाने वाले हैं कि आपके बैंक में कैसे आएगा। यहां पर आपको सेल पर क्लिक कर देना है, तो हम सेल पर क्लिक कर देंगे। जब हम सेल पर क्लिक करते हैं, सेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपना अमाउंट डाल देना है कि कितने का आप सेल करना चाहते हैं। आपको कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी टाइप आप जब कर देंगे तो यहां पर आपको बता दिया जाएगा कि इतना गोल्ड आप यहां पर सेल कर सकते हैं, और आपका जो टोटल गोल्ड है वो इतना है, और 24 घंटे के बाद अपना सारा गोल्ड आप सेल कर सकते हैं। तो हम यहां पर अपना इतना वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, और उसके बाद हम आपको सेल करके दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि हम यहां पर डाल देते हैं, उसके बाद क्यूक सेल पर क्लिक करना है। जब आप क्यूक सेल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा कि ये आप कितने का सेल गोल्ड बेच रहे हैं, यानी कि आप सेल कर रहे हैं, तो वो आपका अमाउंट आपके इस बैंक में यहां पर आ जाएगा। तो आपके पास बैंक ऐड करने का भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आपके पास यहां पर आएगा ऐड बैंक अकाउंट, तो उसको और आपको क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से पेज आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा अकाउंट डिटेल। तो यहां पर अपने बैंक का नाम, यहां पर अपने अकाउंट नंबर, और यहां पर आपका नेम, और यहां पर आपका IFSC कोड, और यहां पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक यहां पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, और यहां पर आपका जो गोल्ड होगा वो इतने ग्राम आपका सेल हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद मात्र आपको यहां पर कम से कम 24 घंटे या आपको यहां पर 18 या 12 घंटे का मात्र इंतजार करना है, और आपने जितना गोल्ड सेल किया है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे इसमें कम से कम 4 या 5 घंटे लगते हैं, और हम आपको बता रहे हैं आपको 12 घंटे इंतजार करना है, कभी कभी थोड़ा आगे और पीछे भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप मूवी क्यूक वैलेट का पैसा, मूवी क्यूक जिप बैलेंस का पैसा आप अपने बैंक में ले सकते हैं। बैंक में लेने के लिए आपको कुछ तो चार्ज देना पड़ेगा, वो आप यहां पर दे सकते हैं 3% GST। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।